घंटा बजे केलो मानो तू सजे आकाशे पूजर बहुआ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम आपको लिए चलते हैं कल्याणी आईटीआई मोड़, जहां पे इस साल दुर्गा पूजा के पंडाल के लिए मलेशिया ट्विन टावर के थीम पे बनाया जा रहा है बहुत ही भव्य और बड़ा पंडाल। तो चलिए चलते हैं, आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए, मैं आपको सारा डिटेल्स इसके बारे में शेयर करूँगा। सो लेट्स गो। सो गाइज, अप्रोक्स 30 मिनट्स की बाइक राइडिंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं कल्याणी आईटीआई मोड़, और ये देखिए, ये रहा ट्विन टावर ऑफ मलेशिया। बहुत ही बड़ा लग रहा है ये, दिस इज रियली अमेजिंग गाइज। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, अभी पूजा स्टार्ट होने में काफी दिन बचे हुए हैं, फिर भी अभी से ही चारों तरफ से बैम्बू के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अगर आप भी यूट्यूबर हो और आप यहाँ पे अगर वीडियोग्राफी करना चाहते हो, तो गाइज आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि आपको पंडाल के अंदर जाने की कोई इजाज़त नहीं है। आप देख सकते हो, जो भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ बाहर से ही फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो चलिए पता करते हैं, अभी पूजा स्टार्ट होने में इतने दिन बचे हुए हैं, फिर भी क्यों अभी से ही बैरिकेड यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो गाइज, यहाँ के कुछ लोकल से पूछने से हमें यह पता चला कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे वीडियोग्राफी करने के लिए आते थे, वो पंडाल के अंदर बहुत सी चीज़ों को नुकसान करते थे, उसे छेड़छाड़ करते थे, और जो भी यहाँ पे अंदर रखे हुए सामान हैं उनको नष्ट करते थे, जिसके वजह से यहाँ पे अभी से ही चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिए गए हैं, ताकि पंडाल में काम करने वाले कर्मचारियों को कोई भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो और किसी प्रकार का हादसा भी ना हो। सो गाइस, आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी ज़रूरी है। और गाइज, यहाँ ट्विन टावर के बिल्कुल सामने बीचों बीच आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा एक वाटर फाउंटेन बनाया गया है, जहाँ पे वाटर शो होगा, और ये रात में देखने में काफी सुंदर लगेगा गाइज। तो चलिए चलते हैं पंडाल के पीछे की तरफ और देखते हैं पंडाल के पीछे का नजारा कैसा है। और जैसे ही हम पंडाल के पीछे पहुँचते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कारीगर हैं जो लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इस पंडाल को कंप्लीट करने का कार्य, जो इनको एक कोई भी एक लिमिट दी गई होगी, समय दिए गई होगी, इस समय के अंदर इस कार्य को कंप्लीट करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आप देख सकते हो, जो पंडाल है ये पूरी तरह से चारों तरफ से आगे और पीछे से कवर कर दिया गया है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, ताकि पंडाल के कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बिंग ना हो। और इस पंडाल को बनाने में लगभग 16,000 से 20,000 बैम्बू का यूज किया गया है। सो गाइस, यहाँ पर नीचे आपको जो बड़ा सा ग्लास का पैनल दिखलाई दे रहा है, एक्चुअली में ये ग्लास नहीं है बल्कि फाइबर ग्लास है। फाइबर ग्लास को जो पैनल है उसको जमीन पे बनाने के बाद इसे रस्सियों के द्वारा इस ट्विन टावर के ऊपर लगाया जाता है। आप जैसे देख सकते हो, इस तरह से इसको सेट किया जाता है, और बड़ी ही कड़ी मशक्कत और रिस्क के द्वारा ये पैनल को वन बाई वन करके सारे ग्लास पर लगाए जाएंगे। और आप देख सकते हो, जो भी यहाँ पे कर्मचारी है वो बिना किसी सेफ्टी मेजरमेंट के इस कार्य को करते हैं। सो हैट्स अप टू देम गाइस। मलेशिया के ओरिजिनल टावर, जिसे पेट्रोनस ट्विन टावर्स के नाम से जाना जाता है, और ये मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में स्थित है। इसको 1996 ईस्वी में कंप्लीट किया गया था, और 1999 ईस्वी में सभी आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। और इसको बनाने में जो टोटल कॉस्ट आया था, वो आया था 1.6 बिलियन US डॉलर, और इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 452 मीटर्स की है, अप्रोक्स 1483 फीट। यहाँ पे हम लोग जो भी वीडियो शूट करना था कर चुके हैं, और यहाँ सब हम निकल रहे हैं। अंदर जाने का परमिशन नहीं है, अगर परमिशन रहता तो काफ़ी अच्छा लगता। आप देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है। लगभग 55 से 60 मीटर इसकी हाइट होगी, ट्विन टावर ऑफ मलेशिया, उसी के थीम पर ये यहाँ पे पंडाल बन रहा है, आप देख सकते हो मेरे पीछे। यानी आईटीआई मोड से बिल्कुल निकल चुके हैं, तो हम चले यहाँ से सीधा कल्याणी हाईवे में। इतने जा रहे हैं, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता लिए हैं, और यहाँ से जाएंगे कल्याणी हाईवे की तरफ। वहाँ से बाघ मोड़ क्रॉस करते हुए देखते हैं, अगर बीच में कोई पंडाल होगा तो आपको दिखलाएंगे। अगर आप ट्विन टावर देखने आते हो तो वो पड़ता है कल्याणी आईटीआई मोड़ पे। आप अगर सियालदह से आते हो तो आपको कल्याणी सीमांतों का लोकल पकड़कर कल्याणी उतरना पड़ेगा, और वहाँ से आप टुक टुक के द्वारा या फिर ऑटो के द्वारा वहाँ से कल्याणी आईटीआई मोड़ जा सकते हो। अगर आप बाइक के थ्रू आते हो तो आपको
कल्याणी हाईवे बैरकपुर और कल्याणी हाईवे पकड़ कर आना पड़ेगा, और वहाँ से अगर गूगल मैप के द्वारा टैग करते हुए आप डायरेक्ट कल्याणी ITI मोड़ पहुँच सकते हो। आना ज़रूर, वहाँ पे काफ़ी अच्छा थीम पर ये कल ट्विन टावर ऑफ मलेशिया बन रहा है, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा होने वाला है। वेस्ट बंगाल का मे भी टॉप पे जा सकता है, देखते हैं। हाँ, पूरा फिनिशिंग होने के बाद ही पता चलेगा कितना सुंदर ये जो पंडाल वो बना है या नहीं। कल्याणी हाईवे, और ये कल्याणी हाईवे इधर चला जाएगा आपको, ये चला जाएगा कल्याणी की तरफ, कल्याणी से आगे, और इस साइड में पड़ेगा आपको बैरकपुर, और सीधा जाने से पड़ेगा बाग मोड़। अब बाग मोड़ से लेफ्ट जाओगे तो कांचरापाड़ा, अगर यहाँ से स्ट्रेट चलते हुए जाओगे तो नैहटी। सो गाइज, नाउ वी हैव रीच्ड द बाग मोड़ एंड आवर एक्सट्रीमली लेफ्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे एक पंडाल बना हुआ है, और यहाँ पे हर साल काफ़ी फेमस पंडाल बनता है, और इस साल इस पंडाल का थीम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये देख कर लग रहा है मुझे या तो ये केदारनाथ के थीम पर पंडाल बन रहा है या फिर पूरी जगन्नाथ के थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है। लेट्स सी, आगे चलकर पता चलेगा कि ये पंडाल किसके थीम पर बन रहा है। तो बाग मोड़ को छोड़कर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कांचरापाड़ा कॉलेज मोड़ की तरफ, वैसे ही बिल्कुल रोड के दाहिने तरफ एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा पंडाल आपको दिखलाई दे रहा है, और इस पंडाल में नीचे गौतम बुद्ध के बहुत ही छोटे छोटे स्टैचू लगे हुए हैं, और यही प्रतीत हो रहा है कि ये बुद्धिस्ट टेम्पल के रूप में पंडाल बनाया जाएगा। तो लेट्स सी, आगे चलकर जब ये पंडाल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पता चलेगा ये पंडाल किस चीज़ का है और कितना खूबसूरत है। कांचरापाड़ा में इतना भीड़ है, बाइक पार्क करने का जगह भी नहीं है। आप जैसे देख सकते हो काफ़ी भीड़ है चारों तरफ, इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। ये तो कुछ भी नहीं है, अब जैसे जैसे दुर्गा पूजा पास आएगी, अब शाम के समय हमेशा इस तरह भीड़ भाड़ रहेगी। बैक टू बैक काफ़ी वीडियोस आने वाली है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो पूरा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।